भारत ने चीन को दोकलम इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है। खबर है कि हिमालयन रीजन के दोकलम में चीन एक रोड बना रहा है, जिसके कारण भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ गया है। विवाद बढ़ने से पहले भारत ने चीन को लगातार चेतावनी दी थी कि वो दोकलम में सड़क ना बनाए, क्योंकि ये भूटान और भारत के लिए सुरक्षा का मामला है, क्योंकि इससे चीन को चिकन्स नेक के जरिए भारत पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। ये रास्ता सीधा भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटन में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रही, वो गतिविधियाँ उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुँच जाएँ, एक ऐसी जगह तक पहुँच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहाँ से वो ट्राई जंक्शन पहुँच जाता, कि वो वहाँ नीचे आ जाएँ, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का ख़त्म हो जाए। पिछले हफ्ते भारत ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था, जिसके कारण चीन नाराज है। इसके जवाब में चीन ने भी अपनी तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज किया, और चीन की सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक वहां एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी टैंक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया था। इधर विदेश मंत्रालय ने तनाव को बढ़ते हुए देखकर शांतिपूर्ण समाधान की बात की है। The differences between India and China should not be allowed to become dispute. So it is obvious that every responsible power, every responsible person and player in the world, of course, prefers peaceful resolution of matters that are in hand. Sanya Faruqi, Go News Bureau.